Hello everyone, welcome to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to continue with our chapter 3 of economics where we'll learn about poverty and its concepts. Hello everyone, so we'll be continuing with our chapter number 3, poverty as challenge, and we are doing the chapter number 3 of economics. Before you start seeing this part, make sure you go and watch the previous two parts so that you can relate what I am teaching here. So talking more about the poverty as a concept, let's learn more about it. Poverty की जब मैं बात करती हूँ, क्या हर जगह गरीबी same है? अगर इंडिया में गरीब लोग हैं, तो क्या वो गरीबी all over India same है? Answer is no. Why? Because we have interstate disparity. Interstate मतलब तब हम एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, when we move from one state to another state, we will see the disparities, we will see the difference. Disparity मतलब differences. हर region wise अलग चीजें मिलेंगी हमें, right? Climate अलग है, soil अलग है, temperature अलग रहता है. Therefore, poverty कैसे same रहेगी? Okay? जब मैं बोलती हूँ interstate disparity, अगर मैं इसकी meaning की बात करूँ, it means the same that the proportion of poor people. Proportion मतलब on an average पूरी percentage में से कितने percent लोग गरीब हैं. The proportion of poor people is not same in all the state. अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर कितनी सारी states हैं, तो हर state के अंदर the amount or the proportion of poor people is not the same. Why? Because we have interstate disparity. Differences है states के बीच में. And ये differences क्यों है? क्योंकि region wise अलग अलग factors है जो role play करते हैं. Okay, now जब मैं बात करती हूँ poverty की, then अगर if I take you guys back then in history from our early 70s के अंदर, we have seen the success rate of decreasing poverty rate. भाई हमने देखा कि जो पॉवर्टी रेट है, गरीबी की जो पॉपुलेशन है, वो उसके अंदर एज अ परसेंटेज उसमें डिक्लाइन हुआ. नाउ लेट्स सी व्हिच आर द स्टेट्स जहां अभी भी बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, और वो वाली स्टेट्स जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, जहां पॉवर्टी रेट डिक्लाइन हो गया है. फर्स्ट लेट्स सी द नेम्स ऑफ द प्लेस, भी कौन कौन सी स्टेट है, कहां कैसे कंडीशन है. आफ्टर दैट विल डिस्कस What were the reasons कि जहां पॉवर्टी कम हुई है, किस रीजन से पॉवर्टी कम हुई है, और जहां नहीं हो पाई वहां क्या रीजन रहे, राइट? व्हेन आई टॉक अबाउट द स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, एमपी, आसाम, बिहार, यूपी विच इज उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दीज आर द स्टेट्स वे वी हैव हाई पॉवर्टी रेट, बहुत ज्यादा गरीबी है. एंड अमंग ऑल ऑफ दी स्टेट्स व्हेन आई टॉक अबाउट द टू पुअरेस्ट स्टेट, सबसे गरीबी सबसे बुरी हालत में कौन सी स्टेट है, इट इज द स्टेट ऑफ बिहार एंड ओडिशा. दीज आर द स्टेट्स जहां पॉवर्टी रेट इज अबव 30%. 30% से अबव है पॉवर्टी रेट इन सारी स्टेट्स के अंदर. और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां हमारी पॉवर्टी रेट क्या आपका सिंगल डिजिट में हो या लेस देन 20 भी हो, तभी ये टॉपिक का नाम है इंटरस्टेट डिस्पैरिटी. भाई अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबर्स हैं पॉवर्टी के. ओके, नाउ कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, क्या पढ़ा था हमने अर्ली 70s में, हमने कुछ स्टेट्स देखी जहां बहुत अच्छा सक्सेस रेट मिला है इन डिक्रीजिंग द पॉवर्टी रेट. विच आर दो स्टेट्स जहां सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है, दीज आर द स्टेट्स लाइक केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल. And also if we talk more about the states जहाँ decline हुआ है, we have the states like Punjab and Haryana. अभी ये समझ में आ गया? You guys need to memorize all the names. High poverty वाली कौन सी states हैं, poorest state कौन सी है, और decline कौन कौन सी state में हुआ. Now, मैंने आपको बताया था interstate disparity है, मतलब interstate differences है जिसकी वजह से जो poverty है, जो poor people है, The proportion is not the same. हर स्टेट में इनका नंबर वैरी करेगा. Let's see why. When I talk about the state like Punjab and Haryana, यहाँ पॉवर्टी क्यों कम हुई है?
बिकॉज हमने यहाँ क्या किया, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था उसको गिव अप करके न्यू मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर अपनाई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट में इंक्रीज हुआ और लोगों की इनकम हुई। लोगों के पास इनकम होगा तो उनकी पॉवर्टी कम हो जाएगी, गरीबी हट जाएगी, राइट? देयरफॉर इन द स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हमने यह कौन से मेथड अपनाया, वी अप्लाइड और वी टुक द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट, जिसकी वजह से पॉवर्टी इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा डिक्लाइंड। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ केरला, केरला ने कैसे पॉवर्टी को कम किया, केरला ने ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस किया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब लोगों को कैसे डेवलप किया जाए, बिकॉज ह्यूमंस आर ऑल्सो द टाइप ऑफ रिसोर्स जिनके पास नॉलेज है, स्किल है। सो केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कैसे पॉवर्टी को ओवरकम किया, वेस्ट बंगाल में इन्होंने ज्यादा फोकस किस चीज पे किया, लैंड रिफॉर्म्स पे। लैंड रिफॉर्म्स क्या थे, जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड्स थी उनसे लेके लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो दैट इवन द पुअर पीपल कैन गेट द पीस ऑफ लैंड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द तमिलनाडु स्टेट और द आंध्र प्रदेश रीजन, वहां कैसे पॉवर्टी कम हुई, वहां जो गवर्नमेंट थी दे ऑप्टेड फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ताकि लोगों को खाना मिल सके, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड मिल सके, तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स होने लगी। सो दीज आर द एग्जांपल्स एंड लाइक ऑल ऑफ द स्टेट डिफरेंट अदर स्टेट्स हैव वर्कड अपॉन दिस चैलेंज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। वेयर एज जो सबसे पुअरेस्ट है, जो अभी हाई पॉवर्टी वाली स्टेट्स है, वहां ये सब फैक्टर्स शायद काम नहीं किए होंगे। व्हाई? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, इलिटरेसी ज्यादा हो सकती है, देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन दी। जब हमने पढ़ा था ना पॉवर्टी को, तब स्टार्टिंग में कर रहे थे, पॉवर्टी इज नॉट अ सिंगल कॉन्सेप्ट, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, राइट? कि पॉवर्टी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी निकल के आते हैं, एजुकेशन ना होना, इलिटरेट होना, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज होना, वाटर एंड सैनिटेशन ना होना, सो मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटी एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, एंड व्हेन आई से इज द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल सेम ऑल ओवर द इंडिया, आंसर इज नो। द ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, पॉवर्टी नॉट ओनली अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया बट इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, क्योंकि पॉवर्टी की सिर्फ हमारे देश में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, राइट? देयरफॉर लेट्स डिस्कस कि बाकी जगह पे पॉवर्टी का क्या सीन रहा और क्या पॉवर्टी ज्यादा है कि कम है, राइट? नाउ यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि शायद ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट लेट मी टेल यू, यू गाइज आर एब्सोल्यूटली रॉन्ग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैन कम लाइक राइट डाउन अ शॉर्ट नोट अबाउट द ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, और इज पॉवर्टी जस्ट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, नीड टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। सो वर्ड्स चेंज होके आ सकते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट द क्वेश्चन इज आस्किंग, एंड देयरफॉर अगर कभी भी आप वर्ड देखते हो ग्लोबल पॉवर्टी तो आपको यही आंसर करना है, राइट? नाउ कमिंग बैक टू द कंटेंट, जब हम वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं, पूरे विश्व की बात करेंगे, देयर हैज बीन सब्सटैंशियल रिडक्शन, ग्लोबली भी पॉवर्टी में रिडक्शन हुआ है, पॉवर्टी रेट कम हुए हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, इट हैज लेड टू द ग्रेट रीजनल डिफरेंस लाइक दैट ऑफ आर नेशन इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। यहां इंडिया की बात करें तो स्टेट में डिफरेंसेस है, वर्ल्ड की बात करें तो रीजनल डिफरेंस है, राइट? किसी जगह ज्यादा है, किसी जगह कम है। सिमिलरली नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस वेयर द पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड, सो पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड इन चाइना, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। व्हेन आई से साउथ ईस्ट एशियन नेशन, कौन कौन से नेशन आएंगे यहां, ऑल ऑफ द आर नेशन एंड ऑल्सो द नेबरिंग कंट्रीज, राइट?
India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Myanmar. So all of this region rely in this Southeast nation. Here also we have noticed a declining trend. Yahan bhi poverty ratio kam hua hai. It has come down by 34%. Agar hum Southeast nations ki baat karte hain. When we talk about the sub-Saharan African region, African continent ki agar baat kare, sub-Saharan region mein, their poverty has fallen from 51% to 41%, 10% reduce hui hai, right? You could imagine how big the number was, 51% to bahut ho jata hai. So, wahan poverty fall ki hai, reduce hui hai. Okay, now, talking about the Latin American region, wahan bhi poverty decline hui hai. You must notice ki kitna decline hua hai yahan Latin American region mein. It was 10%, but now it has declined to 4%. तो आपको पता चल गया होगा जो लैटिन अमेरिकन रीजन है वहां पॉवर्टी का इतना इश्यू नहीं है. इफ यू विल सी द फिगर्स इन योर बुक ग्राफ में देखा होगा तो ग्राफ में भी बहुत ही कम मिनिमम पोर्शन है लैटिन अमेरिका के अंडर जो पॉवर्टी के अंदर है, राइट? सो वहां पॉवर्टी इतनी कोई खास इश्यू नहीं थी, बट दो द रेट हैज कम डाउन फ्रॉम 10% टू 4%. ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, देयर हैज बीन अ न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. कौन डिसाइड करता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? डिसाइडेड बाय यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया है अंडर द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कि हमें सबको मिलके वी नीड टू एंड पॉवर्टी इन ऑल टाइप बाय 2030. तो न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन क्या है? इट कुड बी वन मार्क प्रोबेबल क्वेश्चन कि यूनाइटेड नेशन के कौन से गोल्स है. New Sustainable Developmental Goal, and what is this goal all about? It proposes that ending poverty in all its type, चाहे किसी भी form में है poverty, इसको end करना है, खत्म करना है, and by which year? By 2030, right? So this was all about the global poverty scenario. Now let's see what are the causes of poverty. Causes of poverty क्या थे? बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉजेज थे जिसकी वजह से पॉवर्टी हुई इन इंडिया. नंबर वन रीजन इज लो लेवल ऑफ इनकम डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल. कॉलोनियल रूल क्या है? व्हेन द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग हियर इन आवर नेशन. एंड कॉलोनियल रूल क्या होता है? वो रूल जब एक नेशन दूसरे नेशन के ऊपर रूल करता है और जिस नेशन पे रूल कर रहा होता है इट ट्रीट इट एज अ कॉलोनी ऑफ देयर नेशन. ओके, तो जैसे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे रूल कर रहे थे तो इंडिया किसकी कॉलोनी कहला रही थी? ब्रिटिशर्स की, राइट? तो कॉलोनियल रूल रेफर्स हियर टू द ब्रिटिशर्स रूल. तो ये बोल रहे हैं जब ब्रिटिशर्स यहाँ रूल कर रहे थे और उसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में थी. देयर वॉज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्यों डेवलपमेंट नहीं थी हमारे इंडिया में? बिकॉज वी वर literally exploited by the Britishers. हम एक time पे handicrafts export करते थे पूरे world में and India was known for its traditional handicraft. जब Britishers यहाँ rule करने आए उन्होंने हमारे handicraft market को बिल्कुल खत्म कर दिया, decline कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ? हमारी jobs चली गई लोगों के पास. jobs नहीं होंगी तो unemployment होगी. unemployment है, लोगों के पास काम नहीं है, इनकम नहीं हो रही है, तो लो ग्रोथ रहेगी, ग्रोथ भी नहीं होगी. ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इनकम नहीं है. और इनकम नहीं है लोगों के पास, उसके साथ साथ एक और मेजर प्रॉब्लम क्या थी? दिस रेफर्स टू पॉपुलेशन. पॉपुलेशन भी बहुत इंक्रीज हो रही थी. लोग ज्यादा है, इनकम नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड है. व्हाट विल बी द रिजल्ट? द रिजल्ट विल बी द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी. नंबर वन पॉइंट हियर इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल. हम ब्रिटिशर्स टाइम से ही हमारी इकोनॉमी वॉज लिटरली डिस्ट्रॉयड. ऑल्सो द सेकेंड पॉइंट हियर इज द फ्रूट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज लिमिटेड टू सम पार्ट्स ओनली. जब हमारे 1965 के अराउंड ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट बन सके और अपने लोगों को खाना, एटलीस्ट खाना प्रोवाइड कर सके, सो दैट भुखमरी ना रहे, हंगर वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाए.
This green revolution was introduced initially in some parts of UP, in the state of Punjab and Haryana. पहले इनिशियली इन्हीं रीजन में एक्सपेरिमेंट करके देखा गया. इसलिए जो फ्रूट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कुछ स्टेट्स में ही आ पाया. फूड ग्रेन्स और हंगर वाली जो निकल के आ रही थी प्रॉब्लम्स वो कुछ रीजन में ही सॉल्व हो पाई. देयरफॉर इससे क्या हो रहा है, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी जो हमने पढ़ा था ना कि स्टेट के बीच में डिफरेंसेस, तभी तो कहीं कहीं पॉवर्टी बहुत ज़्यादा और कहीं बहुत कम है. राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज माइग्रेशन टू सिटीज एंड लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स. अब क्योंकि रूरल इकोनॉमी वॉज नॉट दैट गुड, पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि शायद अगर शहर की साइड जाए, इफ वी मूव टूवर्ड्स द सिटी, शायद हमें इनकम मिले और इनकम होगी तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी लाइक दैट ऑफ पॉवर्टी हंगर. राइट एंड ऑल्सो रूरल एरिया में क्या था, लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड. लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज एंड वेरियस अदर विच मेक्स अ लाइफ अ गुड एंड अ क्वालिटी लाइफ. राइट तो ये वाली जो चीज़ें थी रूरल साइड में नहीं थी. देयरफॉर पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू सिटीज इन सर्च ऑफ इनकम एंड ऑल्सो फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स. राइट नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी. हमारे जो लोगों में अंदर हमारे जो लोग थे उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी इनकम की. वहाँ भी अगर मैं इनकम की बात करूँ, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास पैसा कम है. क्यों क्यों इनइक्वालिटी थी, क्यों डिफरेंसेस थे इनकम में? एक तो फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हुआ कि जिनके पास ज़मीन थी उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और जिसके पास नहीं थी उनके पास बिल्कुल भी नहीं थी. रिच वॉज गेटिंग रिचर एंड पुअर वॉज गेटिंग पुअरर. एंड ऑल्सो एज वी ऑल नो वी हैव लिमिटेड रिसोर्स है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है एंड यूज करने वाली पॉपुलेशन हमने अभी पढ़ा इंक्रीज हो रही थी. ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वी ऑल्सो फेस्ड अ ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी विच बेसिकली रिजल्टेड इट इन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. नेक्स्ट फैक्टर हियर इज सोशो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर. सोशो कल्चर मतलब किसी की कोई कल्चर ऐसा है कि जल्दी शादी हो रही है, कोई रिलीजियस सेरेमनीज कोई फॉलो कर रहा है. राइट सो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई कल्चरल रीज़न हो सकता है या कोई इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है कि घर में किसी के पास नौकरी नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, देयरफॉर इनकम नहीं हुई, इनकम नहीं तो पॉवर्टी में है तो पॉवर्टी में ही रहे, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाई तो बच्चे भी आगे पॉवर्टी में ही कंटिन्यू कर रहे हैं. राइट सो देयर कुड बी सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर विच कुड लीड टू पॉवर्टी. नेक्स्ट विक्टिम ऑफ इनडेटनेस. इनडेटनेस क्या होता है, डेट क्या होता है, कर्जा. विक्टिम ऑफ इनडेटनेस मतलब कर्जे के नीचे वो दबते जाते हैं. क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो इनकम क्या है, इनकम वाई रिप्रेजेंट्स योर इनकम. ओके इनकम क्या है हमारी, इनकम कम है. इनकम कम है तो ना तो वो उसकी सेविंग की तो बात आती नहीं है, जितनी थोड़ी बहुत आएगी वो उसकी कंजम्पशन में चल जाएगी. तो सेविंग कम है, सेविंग कम है तो कल को कुछ भी हो जाता है उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मेडिकल इमरजेंसी आ गई, लाइक उनके घर में कुछ और इमरजेंसी आ गई, पैसे नहीं है क्योंकि सेविंग नहीं थी. राइट तो सेविंग नहीं है और इनकम की अचानक से जरूरत पड़ी तो क्या करेगा कोई, दे विल गो एंड बोरो द मनी, उधार लेगा. उधार लेंगे तो कर्जा चढ़ेगा, कर्जा चढ़ता गया, डेट बढ़ता गया, विच अल्टीमेटली लेड टू कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी. कर्जा जो डेट है इट कुड बी कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी और इट कुड बी ऑल्सो कॉल्ड एज कॉज ऑफ पॉवर्टी. दीज आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. राइट नेक्स्ट इन माई नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग द प्रोग्राम्स एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट विच आर गवर्नमेंट यूज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो इट्स टाइम टू टोन अप योर ब्रेन. Your brain is the section for you all to know what you have gained from this video. Make sure you answer all the question along with your name in the comment section. And also guys, if you are having any kind of problem in any concept that you think or you find it difficult, you can freely reach out to me in the comment section. I'll make sure that I reply to each one of you. Number one question here is, write down a short note on the global trend of poverty. And also write down the causes of poverty. Right? So that's it for today's video, guys.
Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you like this video, then do not hesitate to press in the thumbs up icon, and also like, share and subscribe to our channel and help us grow each day.